नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल है। इसमें एक समस्या आ रही है, ये सुबह सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत कर रही है और दिन में भी ये चलने में झटके ले रही है। चोक लगा रहे हैं तो गाड़ी चल रही है और स्टार्टिंग में भी समस्या कर रही है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही है और हम इसका चोक लगा लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सही से चलने लगती है। तो उसमें इसके कार्बोरेटर में समस्या है और हमें इसका कार्बोरेटर खोल के देखना पड़ेगा। इसकी पेट्रोल सप्लाई में समस्या आ रही है। स्लो ये ऐसी चलती रहती है, लेकिन एक्सीलेटर जैसे ही हम लेते हैं तो ये बंद हो जाती है या फिर चोक पर चलाना पड़ता है इसको। तो इसकी पेट्रोल सप्लाई में कुछ दिक्कत आ रही है। हम खोल कर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या समस्या है। सबसे पहले इसका पैनल खोल लें। पैनल खोलने के बाद ये 8 नंबर स्क्रू दोनों खोलना पड़ेंगे हमें। ये स्लाइड खोलना पड़ेगी और एक ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। कार्बोरेटर हमने खोल लिया है इसका। अब हम इसका चैम्बर खोलेंगे, ये स्क्रू, और इस वाले स्क्रू को खोल करके इसका चैम्बर बाहर निकाल के देखते हैं। आपको वीडियो में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें कचड़े के साथ साथ कार पेट्रोल में पानी है और इसकी टंकी में भी पानी हो सकता है। तो पहले हम इसके कार्बोरेटर की सफाई करेंगे और फिर टंकी की सफाई करेंगे। इसमें पानी और कचड़ा होने के साथ साथ इसमें ये देखिए, आप शायद इनको पहचानते होंगे, ये हमारे गेहूं में ये तिलूला टाइप के हो जाते हैं। जो गेहूं में कीड़े हो जाते हैं उनको हम तिलूला बोलते हैं, वो भी इसके अंदर निकले हैं बहुत सारे। ये देखिए, तो हो सकता है कि मतलब जो हमारे जो कस्टमर हैं कि मोटरसाइकिल कहीं अनाज गोदाम के आसपास रखी रहती हो, तो इस वजह से ये कार्बोरेटर के अंदर घुस जाते हैं। कार्बोरेटर को हमने साफ़ कर दिया है और हम इसको गाड़ी में लगा करके देखते हैं कि हमारी जो समस्या थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो चलिए इसको गाड़ी में फिट करते हैं। कार्बोरेटर को हमने कस दिया है। अब पेट्रोल की सटक अभी नहीं लगाना है, पेट्रोल पाइप जो होता है अभी इसमें लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी निकला था। तो हम इसकी पेट्रोल जो पेट्रोल टी में ये वाला फिल्टर होता है जी, उसको पहले हम खोल के देखेंगे कि पानी टंकी से ही आया है या कहीं और से आया है। तो चलिए हम पेट्रोल टी वाला फिल्टर खोल के चेक करते हैं। ये जो पेट्रोल पाइप है हम इसको भी बदलेंगे, ये ख़राब हो गया है, और एक इसमें पेट्रोल फिल्टर लगाएंगे। बाकी पेट्रोल पाइप कार्बोरेटर में लगाने से पहले आप पेट्रोल टी का ये फिल्टर चेक कर लें। आप इसको 10 नंबर रिंग पाना से खोल सकते हैं या फिर ये इस वाले प्लास से खोल सकते हैं। 10 नंबर पत्ती पाना से ये नहीं खुलेगा, ये स्लिप हो जाएगा। इसके इस वाले पेट्रोल फिल्टर में पानी वगैरह कुछ निकला नहीं है, तो इसकी टंकी साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टंकी साफ हम नहीं करेंगे। इसमें एक पेट्रोल पाइप लगा देना है और बस इसको कस देना है। पेट्रोल फिल्टर लगाते समय ये ध्यान रखें कि इसमें ये तीर का निशान जो है, ये देखिए, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से इसको हम लगाएंगे। पेट्रोल फिल्टर हमने लगा दिया है इसमें और पेट्रोल चालू भी कर दिया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। कार
कार्बोरेटर को हमने फिट कर दिया था तो गाड़ी की समस्या ज्यों की त्यों थी, क्योंकि इसकी टंकी में भी पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही हमने पेट्रोल चालू किया तो कार्बोरेटर में पानी फिर से भर गया, तो वही समस्या इसमें फिर से आने लगी है। क्या कैमरे में और स्क्रीन पर वो पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें पानी है और फिर से हमें इसका कार्बोरेटर खोलना पड़ा है। तो इसकी अब हम टंकी खोलेंगे, पेट्रोल टैंक खोल करके इसकी सफाई करेंगे और फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, दोबारा से कार्बोरेटर को साफ करेंगे। इसकी ये पेट्रोल टैंक खोलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसका फ्यूल गेज भी खोलेंगे। ये देखिए, कम से कम 1 लीटर पानी इसकी टंकी से निकला है। अब थोड़ा रुकिए, कल हाँ ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर ये पेट्रोल है और यहाँ से ये दिखाई दे रहा है जो ये पानी है, ये देखिए। तो मोटरसाइकिल में कम से कम 1 लीटर पानी भरा हुआ है। पेट्रोल टी में फिल्टर लगा होता है, उसमें पानी नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से हमने पेट्रोल पाइप कार्बोरेटर में लगा दिया तो उसमें फिर से पानी आ गया, तो इस वजह से इसको फिर से खोलना पड़ा। तो हमने अब टंकी की सफाई भी कर ली है और कार्बोरेटर को साफ़ करके भी फिट कर दिया है। टंकी साफ करने के बाद इसको हमने गाड़ी में लगा दिया है और अब हम इसमें पेट्रोल भरेंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिल्टर को इसी तरह लगाना है जिस तरह हमने पहले बताया था, ये तीर का निशान कार्बोरेटर साइड रहेगा। पेट्रोल भी आने लगा है इसमें। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं हमारी मिस्टेक जो थी वो ठीक हुई या नहीं। कल्लू स्टार्ट करो जरा, गाड़ी लगाओ फिर। ये देखिए दोस्तों, मोटरसाइकिल में जो मिस्टेक थी वो अब ठीक हो गई है, गाड़ी बढ़िया से एक्सीलेटर लेने लगी है। तरह की समस्याएं मोटरसाइकिल कार्बोरेटर में पानी चले जाने के कारण ही करती हैं, और जब कचड़ा होता है तब भी करने लगती हैं, लेकिन अधिकतर पानी जाने के कारण ऐसी समस्याएं आती हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।